Today's topic is GERD, that is gastroesophageal reflux disease. In this, the stomach content regurgitate into the esophagus, है ना, backflow हो जाएगी stomach content की esophagus में. तो definition, excessive backflow of gastric or duodenal content, है ना, backflow gastric content की भी हो सकती है. अगर pyloric sphincter work अच्छे से नहीं कर रहा है तो duodenal content की भी backflow हो सकती है into esophagus because of incompetent gastroesophageal sphincter. Backflow किस वजह से होगी, जो gastroesophageal sphincter है, lower gastroesophageal sphincter, it is incompetent, वो properly close नहीं हो पाएगा, due to which the stomach or duodenal content में backflow into the esophagus and causes inflammation and damage the esophagus, and this condition is called as gastroesophageal reflux disease. As shown here, this is the normal lower esophageal sphincter is normally closed, and in case of GERD, the lower esophageal sphincter doesn't close properly. Here it is shown this is open, and here this valve is closed. ठीक है, जो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पे क्लोज बताया गया है, जिस वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट रिगर्जिटेट नहीं होगा, यहीं पे वो फ्लो करेगा, बाकी आगे पास करेगा पाइलोरस में. बट अगर लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो पाता है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इधर HCL है, ठीक है, तो वो ओसोफेगस में रिगर्जिटेट करेगा. ओसोफेगस में अगर जाएगा इट कॉजेज अल्सर फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन और डैमेज टू द ओसोफेगस. After that, the causes. Causes mainly क्या है, अगर जो lower esophageal sphincter है वहाँ का जो neuromuscular development है वो proper नहीं है, वहाँ पे या तो nerves proper nerves supply नहीं है या muscular development अच्छी नहीं है, जिस वजह से वो close नहीं हो पाएगा. Any type of cerebral defect, जिस वजह से जो autonomic nervous system है वो properly work नहीं कर पाएगा, closer नहीं कर पाएगा lower esophageal sphincter को. And increased abdominal pressure, ऐसी condition जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो, अगर एब्डोमिन में प्रेशर इंक्रीज होगा वो अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, जैसे कि इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ओसोफेगस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर लगेगा, विच मे लीड टू द ओपनिंग ऑफ द लोअर ओसोफेसियल स्फिंक्टर. और सर्टन मेडिकेशन इरिटेट द ओसोफेगस लाइनिंग. After that, the pathophysiology, same जो causes थे such as delayed neuromuscular development, ये increase intra-abdominal pressure, conditions such as obesity, constipation, pregnancy, staining during defecation, etc. ये certain medication, these causes malfunctioning of digital end of the esophagus. Digital end हुआ जो दूर वाला end है ना, जो lower end है esophagus का, वो properly function नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से backflow of stomach content into the esophagus. Stomach के जो content है वो esophagus में उनका backflow हो जाएगा. ठीक है, जो जैसे HCL है, पेप्सिन कंटेनिंग जो एंजाइम है, ये सारे बैकफ्लो करेंगे, दे आर एसिडिक इन नेचर, जिस वजह से ये ओसोफेगस की वॉल्स को डैमेज करेंगे, विच मे लीड टू ओसोफेजाइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ओसोफेगस. रिगर्जिटेशन हो सकता है, एस्पिरेशन, बैक रिगर्जिटेशन का मतलब बैकफ्लो होना है ना, या एस्पिरेशन भी हो सकता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इट मे गो इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजेज द रेस्पिरेटरी सिम्टम या इनडाइजेस्ट हो सकती है. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ GERD, gastroesophageal reflux disease. आफ्टर दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड हार्टबर्न, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पायरोसिस, रिगर्जिटेशन, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन टू द ओसोफेगस, ब्लोटिंग होगी, फुलनेस फील होगी, एबडोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, ब्लडी और ब्लैक स्टूल और ब्लडी वॉमिटिंग हो सकती है, मेनली ब्लडी वॉमिटिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, बर्पिंग होगी, चेस्ट पेन, डिसफेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, एंड वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक कंटेंट आगे
पास नहीं करेंगे तो पर्सन में फील वेट लॉस, क्योंकि वो खाना ज़्यादा नहीं खाएगा। एंड सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर एस्पिरेशन होता है, देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हिस्ट्री कलेक्शन में सिम्टम्स रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे, एनी टाइप ऑफ फैमिली हिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ अदर डिजीज कंडीशन तो उससे रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन बेरियम स्वालो में पेशेंट को बेरियम डाई स्वेलो करने के लिए बोलेंगे, आफ्टर दैट एक्सरे इमेज शुड बी टेकन, दीज आर यूज टू चेक अल्सर और नैरोइंग ऑफ द ओइसोफेगस, कोई स्ट्रीचर वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। देन ओइसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी, इट इन दिस अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इज इंसर्टेड टू इन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम टू विजुअलाइज ओइसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, टू चेक फॉर एनी अल्सर फॉर्मेशन और एनी डिजीज कंडीशन। आफ्टर दैट ओइसोफेसियल मैनोमीट्री इज यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ ओइसोफेगस एंड लोअर ओइसोफेसियल स्फिंक्टर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चेक करेंगे इससे और लोअर ओइसोफेसियल स्फिंक्टर की फंक्शनिंग चेक करेंगे। आफ्टर दैट ओइसोफेसियल पीएच मॉनिटरिंग, इसमें एक ओइसोफेगस में एक डिवाइस इंसर्ट करते हैं और उसको 2 से 3 दिन तक वहीं पे रखेंगे और जो एसिड रिगर्जिटेट हो रहा है उसको मेजर करेंगे कि कितने अमाउंट में रिगर्जिटेशन हो रही है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट इंक्लूड मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, मेनली हाई फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे and avoid recumbent position at least 3 hours after meal। ठीक है, मतलब पर्सन को खाना खाने से 3 घंटे तक पेशेंट ने रिकम्बेंट पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर पर्सन एकदम से रिकम्बेंट मतलब लाइंग डाउन पोजीशन अगर पर्सन लेगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इट में रिगर्जिटेट इन टू द ओइसोफेगस, तो हाई फाउलर पोजीशन देनी है। और फॉर इन्फेंट गिव राइट लेटरल पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। और डाइट में लो फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट और स्टॉप कंज्यूमिंग कैफीन, टोबैको, कार्बोनेटेड बिवरेजेस जिन ड्रिंक्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, स्पाइसी फूड भी पर्सन को कम लेने के लिए बोलना है। प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, पर्सन को बोलना है कि कम खाना है और बार बार खाना है, ठीक है। एंड अवॉइड ईटिंग ड्रिंकिंग 2 hours बिफोर बेड टाइम से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है या ड्रिंक ले लेना है, बेड टाइम पे कुछ भी नहीं खाना है सोते टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट मेडिसिन इन मेडिकल मैनेजमेंट में एंटासिड कैन बी गिवन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैन बी गिवन, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रोकाइनेटिक एजेंट कैन बी गिवन। प्रोकाइनेटिक जो एजेंट है इट इंक्रीज द प्रेशर इन द लोअर ओइसोफेसियल स्फिंक्टर। आफ्टर दैट वेट रिडक्शन के लिए बोलेंगे, हैवी लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करना है पेशेंट को बोलना है और ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो। और अगर पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो द पर्सन कैन टेक स्टूल सॉफ्टनर to avoid the constipation, to treat constipation। After that surgical management mein Nissen fundoplication, endokinch, endoluminal gastroplication aur strata procedure। Nissen fundoplication mein jo fundus part hai स्टमक का उसको ओइसोफेगस के अराउंड रैप कर देंगे 360 डिग्री पे ताकि जो स्फिंक्टर का प्रेशर है वो बना रहे। आफ्टर दैट एंडोकिंच एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन, इसमें इन दिस द पेयर ऑफ स्टिचेस इज प्लेस्ड इन द स्टमक नियर द वीकेंड स्फिंक्टर, है ना, जो जहाँ पे लोअर ओइसोफेसियल स्फिंक्टर वीक हुआ है वहाँ पे स्टिचेस प्लेस करेंगे और द सूचर कैन बी टाइट टूगेदर, उनको टाई कर देंगे और जिस वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्सिटेट नहीं हो पाएगा। इट इज शोन हेयर, है ना, कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या कर दिया, सूचरिंग कर दी ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्सिटेट ना हो। आफ्टर दैट
स्ट्रेटा प्रोसीजर, दिस अप्रोच यूजेस इलेक्ट्रोड एनर्जी टू हीट ओएसोफेगियल टिश्यू। इसमें इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं ओएसोफेगस में, जहाँ पे स्फिंक्टर वीक हुआ है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोड इंसर्ट करेंगे और जो ओएसोफेगियल टिश्यू है उनको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे, एंड जब स्कार टिश्यू हील होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, जिस वजह से जो मसल है वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी, एज शोन इन दिस डायग्राम, है ना, कि एक बलून इन्फ्लेट किया यहाँ पे, यहाँ से जो एनर्जी थी वो जनरेट हुई, ये जो ओएसोफेसियल टिश्यूज थे ये बर्न हुए, हीटअप हुए और इसकी जगह स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुई और ये यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी, टाइटनिंग जंक्शन प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स। दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर, निशन फंडोप्लिकेशन, एंडोकिंच, एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन, स्ट्रेटा प्रोसीजर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, इंटेक आउटपुट चार्ट, बॉडी वेट, इंक्वायर अबाउट ईटिंग पैटर्न, एलिमिनेशन हैबिट ऑफ क्लाइंट, असेस द पेन एंड एंजाइटी लेवल ऑफ द क्लाइंट। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्बेलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इलनेस, डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू रीगर्सिटेशन और हार्ट बर्न, हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू रीगर्सिटेशन। दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक।